सिद्धे ध्रुव मचल मणो अवंगदिं पाते गोच्छामि समय पाहुडु मिणमो सुद केवली धनिदम। समय सार के संवर अधिकार में हमारी बात चल रही है और संवर अधिकार पूरी तरह से भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। यद्यपि संपूर्ण समय सार भेद विज्ञान की ही बात है, जैसे ही भेद विज्ञान हो जाता है उसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन बोलो या भेद विज्ञान बोलो, एक ही बात है। ऐसा ज्ञान कराने वाला ये शास्त्र है, समय सार शास्त्र। ये समय सार शास्त्र की अद्भुत महिमा है। यद्यपि वो बातें अपन बहुत पहले भी कर चुके हैं, फिर भी अभी मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वो भी बता देता हूँ। एक कथा हमने सबसे पहले जब ये शुरू किया था समय सार, तब बताई थी मैंने आचार्य कुंद कुंद के पूर्व जन्म की कथा। उनकी पूर्व जन्म की कथा में ये बताया था कि ये पूर्व जन्म में ग्वाला थे, गायें चराने जाते थे जंगल में। तो वहां पर देखा कि जंगल में एक दिन आग लग गई थी, पूरा जंगल जल के भस्म हो गया था, लेकिन एक पेड़ बच गया था, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था, एक पत्ता भी नहीं जला था, सारे पत्ते हरे भरे थे, पूरा वृक्ष हरा भरा था। भले ही पूरा जंगल जल गया लेकिन वो वृक्ष नहीं जला। ये किसकी वजह से हुआ? ये उस वृक्ष के अंदर रखे हुए शास्त्र के कारण हुआ। उस शास्त्र की, उस जिनवाणी की, उस आगम की ऐसी अद्भुत महिमा थी कि उसके प्रभाव से पूरा जंगल जल जाने के बाद भी वो वृक्ष नहीं जला। ये गजब बात, सोचने की बात है। यद्यपि वो शास्त्र समय सार तो नहीं था, क्योंकि समय सार तो बाद में लिखा गया, लेकिन जो भी है, लेकिन उस बात से एक चीज हमें ये समझ में आती है कि यदि ये शास्त्र जिनवाणी है, जिनवाणी समय सार बोलो, ये जिनवाणी है, समय सार है, ये जिस घर में होंगे, अब सोचना, उस वृक्ष के अंदर थे तो वृक्ष बच गया, यदि जिस घर में होंगे वो घर भी अवश्य बचेगा। समझ में आई बात? जिस घर में जिनवाणी नहीं है, है वो घर काई का घर। जिस घर में जिनवाणी है, जिन शास्त्र हैं, समय सार है, वो घर वास्तव में सही है, घर है मतलब, बाकी तो घर खेने योग्य नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आती है। जरा इसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाइए, घर को जाने दो, घर के साथ साथ हमारे अंदर हृदय में यदि समय सार बस जाए, जिनवाणी बस जाए, तब तो क्या बात, गजब हो जाए है। उस पेड़ का बाल बांका नहीं हुआ, सोचो पूरे जंगल में आग लग गई लेकिन पेड़ बच गया। यदि जिसके हृदय में समय सार बस जाए फिर उसका क्या बाल बांका होगा, सोचो, कुछ नहीं हो सकता उसका फिर। ये गजब बात। इसलिए ये समय सार ग्रंथ में ये भेद विज्ञान की बहुत कला सिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पर पदार्थों के प्रति इच्छा को भी तोड़ डालो, सबको एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृ सब तोड़ डालो। जो दिखने वाले, प्रत्यक्ष दिखने वाले पर पदार्थ हैं, उनके साथ तो सभी धर्म दर्शन, सारी दुनिया ही कहती है कि इनको अपना मत मानो, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म द्रव कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म दिखते तो नहीं लेकिन एहसास तो आता है उनका, तो उनके साथ भी संबंध तोड़ने की चर्चा ये समय सार ग्रंथ करता है। तो ये समय सार ग्रंथ कहता है कि भेद विज्ञान करने से शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी और शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाने से संवर शुरू हो जाएगा है, और उसी संवर से फिर आगे निर्जरा भी होगी, उसी से मोक्ष भी होगा, एक ही काम से सारे काम हो जाएंगे, ऐसी ये बात बताता है। तो इसी क्रम में जो अगली गाथा है हमारी, कौन सी गाथा है, 187 से 189 तक की जो गाथा है, तीन गाथा है, वो पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपाणमपणारुंधियूण दो पुण्य पाप जो ईसु दंसन नानम मिठ दो इच्छा विरवो ये अन्नमी जो सब संगम को झायति अपाण मपणो अपा नविकम मणोकम चेदा चिंते दिए यत्तम अपाणं झायन्तो दंशन नाणमो अनन्नमो
लहदी अचिरेण अप्पानेव सुखम अप्प विमोक्कम कम पविमुक्कम। देखिए शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। अप्पाणम अप्पणा, अप्पाणम यानी आत्मा को, द्वितीय विभक्ति इसलिए आत्मा को, अप्पणा माने आत्मा से ही, आत्मा को रोकना है, रुंदीणों माने रोकना, तो आत्मा को रोकना है, कैसे रोकना है, किससे रोकना है, कि आत्म से ही रोको, रोकने के लिए कुछ दूसरा नहीं है, है किसी की किसी भी परद्रव के प्रति परावलंबन नहीं है, स्वावलंबन की बात है, किसी पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ इंडिपेंड करने की बात कर रहे हैं वो कि आत्मा को आत्मा से ही रुंधियों माने रोक करते, कहां से रोकना है कि जो ये आत्मा का ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग इंद्रियों में पर पदार्थों में विषयों में कसायों में इच्छाओं में भटक रहा था उसको रोकना है। ठीक है, किससे रोकें भाई, कोई डंडे से पकड़ें, रस्सी से बांधें, किससे करें, कि नहीं आत्मा से ही रोकना है आत्मा को आत्मा से रुंदी उण मतलब रोक करके, दो पुण्य पाप जो येसु पुण्य और पाप, ये दो जोग, जोग माने योग हैं, पुण्य योग और पाप योग, शुभ योग और अशुभ योग, इन दोनों योगों से रोक देना है, शुभ में भी नहीं जाने देना है और अशुभ में भी नहीं जाने देना है, क्योंकि शुभ में जाते हैं तो भी बिगाड़ होता है, बिगाड़ मतलब संसार के लिए तो ठीक है लेकिन कम से कम जो मोक्ष सुख चाहिए वहां नहीं मिल पाता, इसलिए उस अपेक्षा बिगाड़ होता है तो उसको रोक करके दंशन नानम्मी ठिदो, और फिर रोक करके क्या करना अगली स्टेप, कि उसको अपने ज्ञान दर्शन में ही ठिदो मतलब स्थित कर देना है, कहां से, विषय कषायों से रोका, शुभ अशुभ से रोका और ज्ञान दर्शन में स्थित कर दिया। इच्छा विरहो, ये यहाँ पर टुकड़े हो रखे शब्द के, जुड़ा हुआ शब्द है ये इच्छा विरत, विरत शब्द है, और यहाँ पर जो ये ओ है ना, ओ की जगह यहाँ पर इस आपकी किताब में दो है, ये प्राकृत में फर्क है, ये समय सार जो है सौर सेनी प्राकृत में है, आज ये चीज भी नई, शायद मैंने पहले कभी बताई नहीं होगी आपको, सौर सेनी प्राकृत है ये देखो क्या है जो जैन ग्रंथ हैं उनमें से मोस्टली जैन आगम जो स्वतंबर आगम में माने जाते हैं 45, वो अर्धमागधी के माने जाते हैं, यानी मोस्टली सभी अर्धमागधी में है वो तो, और दिगंबरों के जो आगम हैं समयसार वगैरह ये ज्यादातर जो है सौर सेनी प्राकृत में है, दोनों ही प्राकृत लेकिन ये सौर सेनी प्राकृत है, समयसार वाली प्राकृत सौर सेनी है। इस सौर सेनी की विशेषता है इसमें त थ द ध न वो होती ना ते वाली लाइन द, ये वाले वर्ड वर्डिंग ज्यादा आती है, मतलब ये वाले शब्द ज्यादा आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ओ है ना ये नहीं आता, ओ आता है किसमें, उसमें आता है अर्धमागधी में, गलत ये भी नहीं है, है प्राकृत के रूप लेकिन समय सार ओरिजिनल में जो है सौर सेनी में है, इसलिए दो ज्यादा ठीक है ना। तो इच्छा विरदो, इच्छा विरदो का मतलब है इच्छा से रहित, ठीक है, फर्क समझ में आया, सौर सेनी में और अर्धमागधी में, सौर सेनी में दे वगैरह आता है और इसमें नहीं आता है, इसलिए तो इच्छा से विरत हो जाना, किसकी इच्छाओं से, कि अन्नमी अन्न द्रव्यों की इच्छा से मुक्त हो जाना, अन्न द्रव्यों से छूट जाना ऐसा नहीं कहा, अन्न द्रव्यों की इच्छा से छूट जाना ये कहा, क्योंकि अन्न द्रव्यों को छोड़ करके जंगल भी चला जाए है, वन चला जाए, दीक्षा ले लेवे तो भी काम नहीं बनेगा, कह रहे कि अन्न द्रव्य की इच्छा से भी दूर हो जाओ, इच्छा मत करो, द्रव्य दूर होएगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा, तुम कहां तक दूर करोगे, कई द्रव्य तो ऐसे हैं जिनको हम अपने हाथ में नहीं दूर करना, शरीर है उस शरीर को क्या दूर करेंगे, हम नहीं कर सकते, समय पाकर स्वयं होगा इसलिए सब द्रव्यों की इच्छाओं से विरत होकर के, कितनी स्टेप हो गई देखो, आत्मा को आत्मा से रोकना है, कहां से रोकना है, कि पुण्य और पाप रूप दो योगों से रोकना है, रोक के क्या करना है, कि अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित करना है, और क्या करना है, कि अन्य द्रव्यों की इच्छाओं से भी विरत हो जाना है, ठीक है, ये पहली गाथा हुई। दूसरी गाथा कह रही है, एक ही बात है पूरी में, जो सब संग मुक्को, और जो आत्मा सभी प्रकार के संग से, संग माने परिग्रह, सभी प्रकार के परिग्रहों से मुक्त है,
अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, 24 प्रकार का परिग्रह टोटल है। तो सभी 24 प्रकार के परिग्रह से मुक्त हो जाए और होकर के जायदि अपाणम अपणो अपा, और वो आत्मा अपने आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा ही ध्यान करता रहे। आत्मा को ध्याए, आत्मा से ध्याए और आत्मा ही ध्याए। कर्ता भी वही, कर्म भी वही और करण भी वही, सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, और जो क्या बोलते हैं करण माने साधन, वो भी वही। तो ऐसा आत्मा का तो ध्यान करे, लेकिन किसका ध्यान न करे वो अगली लाइन में बता रहे हैं। नविकम्मम कर्म का ध्यान न करे, नोकम्मम नो कर्म का भी ध्यान नहीं करे, चेदा माने आत्मा, चिंतेदि चिंतन करे, किसका एतम एकत्व विभक्त आत्मा का ही चिंतन करे, कर्म नो कर्म का न करे, ठीक है। अपाणम ध्यायन्तो, और अपने आत्मा का ध्यान करते हुए दंशनानमव यानी ज्ञान दर्शनमयी, अनन्नमव आनंदमयी है, इसका अर्थ आनंदमयी लिखा है बस, अनन्नमव का अर्थ अनन्यमय होता है वैसे तो, अनन्यमय कहोगे तो भी अर्थ में कोई फर्क नहीं है, अनन्य यानी ज्ञान और आनंद से तो अनन्य है आत्मा, इसलिए एक ही बात है। लहई अचिरेण, अचिरेण यानी शीघ्र ही, चिरेण माने बहुत टाइम में, और अचिरेण यानी जल्दी शीघ्र, लहई मतलब प्राप्त करता है, किसको अपमानम अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है। बताओ आत्मा तो मैं खुद ही हूं, मुझे प्राप्त क्या करना, कि है तो खुद ही लेकिन अपने आप को भूल गया ना, इसलिए उसको प्राप्त करने का मतलब याद करना, प्राप्त करने का मतलब कुछ नहीं है। कहां से प्राप्त करोगे, खुद ही है, तो उसको प्राप्त करने का मतलब है कि भूल गया था तो याद कर लेना है, बस इसी का नाम प्राप्त करना, ठीक है। तो वो आत्मा जल्दी ही अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है, और कम्म पविमुख को कर्मों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ये शब्द लगा ना, इस को यदि बीच में से निकाल दो, कम्म विमुख को ऐसा भी कर देवे मान लो, तो उसमें इसमें क्या थोड़ा सा माइनर, इतना माइनर अंतर है कि जिधर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो बताता हूँ, ये पै जिसकी वजह से बोलने में भी कठिनाई हो रही है, प कम प विमुख कम, प को निकाल दो तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी पे लगाया हुआ है, इसका मतलब है प्रय उत्कृष्ट अर्थ में लगाया जाता है। उत्कृष्ट अर्थ का मतलब है कि पूरी तरह से कर्मों से परमानेंटली उसकी छुट्टी हो जाए, परमानेंट छुट्टी हो जाए, इस बात को बताने के लिए प्रय उपसर्ग लगाया, प्रय का अर्थ होता है उत्कृष्ट ऐसा। तो इस प्रकार से यहां पर ये तीन गाथाओं के शब्दार्थ हुए, तीनों गाथाओं में एक ही सेंटेंस है, छोटे छोटे टुकड़ों में एक ही बात, मतलब एक ही चीज की बात है, ये तीनों गाथाएं जुड़ी हुई है एक बार, ठीक है। इन गाथाओं का एक बार शब्दार्थ और पढ़ लेते हैं, मतलब पद्यानुवाद। पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर, अन्य आशा से विरत हो ज्ञान दर्शन में रहे, विरहित कर्म नो कर्म से निज आत्म के एकत्व को, निज आत्मा को स्वयं ध्यावे सर्व संग विमुक्त हो, ज्ञान दर्शन मय निजातम को सदा जो ध्यावते, अत्यल्प काल सकाल में वे सर्व कर्म विमुक्त हो। ये गाथाएं एकदम सरल है, हिंदी में एकदम सरल पढ़ती है। तो कुल मिलाकर ये गाथाएं ये कह रही है कि आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा ही करेगा और आत्मा अपने माध्यम से ही करेगा, परद्रव्य का ध्यान बिल्कुल नहीं करना है, समस्त इच्छाओं को शुभ शुभ भावों से दोनों तरफ से ही रोक लेना है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, तभी जाकर के उस आत्मा की उपलब्धि होगी जो कि ज्ञान दर्शनमयी है, आनंदमयी है, शीघ्र उसकी प्राप्ति करके जीव सर्व कर्मों से परमानेंट मुक्त हो जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। बात तो संबर अधिकार की है और यहाँ सीधे मोक्ष तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं गाथा में। तो ऐसी कैसी बात है ये, तो देखिए इसकी थोड़ी सी चर्चा टीका की तरफ जाकर करें।
तो टीका में क्या कहते हैं वो, टीका में ये कहते हैं कि देखो टीका थोड़ी सी पढ़ता हूं एक दो लाइन। राग द्वेष मोह मूलक शुभा शुभ योग में प्रवर्तमान जो जीव दृढ़तर भेद विज्ञान के आलंबन से आत्मा को आत्मा के ही द्वारा रोक कर स्वयं को, सेंटेंस ही बहुत लंबा है, रोक कर स्वयं को शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप आत्मद्रव्य में भली भांति प्रतिष्ठित करके स्थिर करके समस्त पर द्रव्यों की, तो सेंटेंस पूरा कहीं रुक नहीं रहा है, सब जगह कोमा लगा लगा के पूरा एक ही सेंटेंस है, एक पैराग्राफ जितना 10-15 लाइन में जाके पूरा फुल स्टॉप ही 10-15 लाइन के बाद आया। ये संस्कृत की विशेषता है, इसको टुकड़ों में ही समझ लो। क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष मोह मूलक शुभाशुभ उपयोग, ठीक है, शुभ और अशुभ ये दो प्रकार के उपयोग दोनों से ही आत्मा को रोकने की बात कर रहे हैं। यद्यपि पुण्य पाप अधिकार में दोनों की खूब चर्चा अपन कर चुके हैं, कोई ज्यादा करने जैसी बात नहीं है, फिर भी थोड़ी सी बात ये आती है। एक बार अभी चार पांच क्लास के पहले बात आई थी कि दया को भी शास्त्र में हिंसा कह दिया। यदि याद हो तो आया था एक सेंटेंस कि दया भी एक प्रकार से हिंसा है। ये सेंटेंस सुनकर के एकदम खलबली मच जाती है चित्त में, एकदम ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहे हैं और कैसे गले नहीं उतरती है। जिस दया को सारी दुनिया जो है बहुत भला समझती है, दया धर्म कहती है, दया तो धर्म है, है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, है दूसरे की भलाई करो, परोपकार करो, दया करो, इसी को धर्म समझ के जो दुनिया बैठी हुई है, ऐसी दुनिया से यदि कहा जाए कि ये दया भी धर्म नहीं है अपितु तो हिंसा है, तो बहुत विचित्र लगता है। तो ये कैसी बात है, जरा इसकी थोड़ी सी बात बताएं। कि आप तो इस सेंटेंस को साइड में रखो, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले अपन ये देखो कि हिंसा की क्या परिभाषा है शास्त्रों में, ठीक है। तो हिंसा की जो परिभाषा है ना, उनमें जो बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है ना, और भी हो सकती है लेकिन जो हमने पढ़ी है वो बताता हूं, वो परिभाषा है कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों की हिंसा नहीं होना वो जो है अहिंसा है। ये परिभाषा पड़ी सीधी सच्ची, और भी कई परिभाषाएं हैं लेकिन ये परिभाषा बहुत अच्छी मानी जाती है, नंबर एक की मानी जाती है ना, क्योंकि इसमें सब बात आ गई, सब इंक्लूड हो गया, बहुत सारी बातें आ गई। जैसे कौन कौन सी बात छूट जाती है वो एक बार इशारा याद दिलाता हूँ, देखो ध्यान दिलाता हूँ आपका। जैसे कई बार अपन छोटे बच्चे से पूछो बताओ अहिंसा की क्या परिभाषा, तो कहेगा दूसरे का दिल नहीं दुखाना, तो इसमें छूट गया, कुछ छूट गया, क्या छूट गया कि दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना, इतना नहीं अपने आप को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, तो अपने आप को भूल गया ना, तो छूट गया, कुछ छूट जाता है। हर परिभाषा में कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन ये वाली परिभाषा में कुछ नहीं छूटता। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होगी तो अपना भी बुरा है और दूसरे का भी बुरा है, दोनों चीजें आ जाती है, इसलिए ये परिभाषा थोड़ी सी ऑथेंटिक है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब इस परिभाषा में ये विचार करो कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, ठीक है। अब राग के साथ में आदि शब्द जुड़ा है, आदि राग आदि, तो आदि में द्वेष भी आएगा, मोह भी आएगा, शोक भी आएगा, काम क्रोध सभी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आएंगी उनमें से हाईलाइट राग को ही क्यों किया, किसी दूसरे को नहीं कर सकते थे, द्वेष आदि उत्पत्ति होना, मोहादि उत्पन्न होना, राग को ज्यादा हाईलाइट किया, ऐसा क्यों? उसका अर्थ ये है कि काम को सारी दुनिया बुरा कहेगी, क्रोध को सब दुनिया बुरी कहेगी, द्वेष को सब दुनिया बुरी कहती है, मोह को सब दुनिया बुरी कहती है, लेकिन राग को कोई बुरा नहीं कहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इसलिए जैनाचार्यों ये चाहते थे कि ये सारी दुनियाओं का ध्यान इधर नहीं है, कम से कम इनको कहो कि राग है ना वही सबसे बुरा है, तो राग को हाईलाइट किया, राग के साथ में आदि शब्द जोड़ा, ठीक है। अब ये परिभाषा अपने पढ़ ली ना, अब वापस घूम के वहीं आओ, दया को ही हिंसा कैसे कहा, राग माने दया, राग माने दया, उसी को हिंसा बोलते हैं, तो दया को ही हिंसा कहने में आ जाता है,
देखो कैसे क्या सिद्ध होती है बात, है ना। हालांकि ये प्रारंभिक स्तर पर नहीं नहीं है योग, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है ऊपर के गुणस्थानों पे देखा जाए तो हिंसा है। क्यों? क्योंकि दया के लिए गुणस्थान उतरना पड़ेगा, ऐसा है। एक एग्जाम्पल भी है, वो तो रक्षाबंधन की कथा में आता है ना, विष्णु कुमार मुनि का। विष्णु कुमार मुनि तपस्या में बैठे हुए थे, हैं, और उन्होंने अपने ज्ञान में देखा, जो भी उनका अवधि ज्ञान होगा उसमें देखा कि अरे ये कोई धर्म पे उपसर्ग आया। तो वो मुनि पद को छोड़े, मुनि पद को छोड़ने का मतलब ग्रस्त आ गए, भले ही ग्रस्त शादी नहीं करी लेकिन मुनि पद तो छोड़ दिया। छोड़ दिया माने गुणस्थान गिर गया। किस काम के लिए गिर गया? कि वो उपसर्ग को दूर करने के लिए, दूसरे का उपसर्ग दूर करने के लिए। हालांकि वो काम बुरा नहीं है, लेकिन एक प्रकार से वो आत्मा के गुणस्थान गिर जाते हैं, आत्मा की हानि हो जाती है, इस अपेक्षा से उसको जो है ठीक नहीं माना। अपेक्षा समझना, दोनों जगह की अपेक्षा। तो इस तरह से राग द्वेष मोह मूलक शुभाशुभ योग में प्रवर्तमान जो जीव दृढ़तर भेद विज्ञान के आलम्बन से। वेद विज्ञान कैसा होना चाहिए? कि दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कोई डिगा दे, कोई बेला दे, फुसला दे, हैं, तो नहीं फिसल जाना चाहिए। कोई कहे कि देखो मैंने तो खूब सोच विचार लिया है कि शरीर अलग है मैं अलग हूं, एकदम द्रव कर्म से भिन्न, भाव कर्मों से भिन्न, नौ कर्म से भिन्न, मैंने खूब जांच लिया है कि अच्छा जब कोई तुम्हें बार 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 कोई बात पे कहता रहे तो फिसल मत जाना, है, तो उसको कहते हैं कि फिसल जाएगा तो दृढ़ नहीं है। कोई कितना भी हिलाना चाहे, कितना भी डिगाना चाहे, डिगे नहीं, मजबूत रहे, ऐसे वेद विज्ञान को दृढ़तर वेद विज्ञान का, ठीक है। जो जीव दृढ़तर वेद विज्ञान के आलम्बन से आत्मा को आत्मा के ही द्वारा रोक कर, रोकना है, लेकिन किससे रोकना है? ना तो कोई रस्सी से बांधना है, ना डंडे से पिटाई करनी किसी की, आत्मा को आत्मा के ही द्वारा, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान से ही रोकना है उसको। रोक करके स्वयं को शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप आत्मद्रव्य में भली भांति प्रतिष्ठित करना है, जो जहां का है उसको वहीं स्थिर कर देना है। ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग आत्मा के हैं, इसलिए आत्मा में ही इनको स्थिर कर दो, क्योंकि अपने स्थान पर हर चीज शोभा देती है, अन्यत्र स्थान पर शोभा नहीं देती है। कोई भी चीज स्थान से छूट करके दूसरी जगह चली जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अपने स्थान पर बनी रहे तो बहुत वैल्यू होती है। संस्कृत में एक छोटी सी सूक्ति है, इससे अध्यात्म से संबंध नहीं है लेकिन एक सूक्ति है बहुत अच्छी। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखान नराः, फिर से बोलता हूं, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा और नराः। जो अपना स्थान छोड़ देते हैं, जो उसका प्रॉपर स्थान है वहां नहीं रह करके अपना स्थान छोड़ देवे तो उसकी बहुत ही पूछ नहीं होती है, उसको तुरंत बाहर कर दिया जाता है। जैसे दांत, हमारे मुंह में दांत हैं, जब तक मुंह में है तब तक अपन खूब उनको मंजन करते हैं, सार संभाल करते हैं, जब मुंह से गिर जाए तो तुरंत अरे फेंको, दूर करो इसको। दंता केसा, सिर पे बाल हैं तो कितने इनकी साज सज्जा करते हैं, तेल लगाते हैं, सब करते हैं, जो जो करना है करते हैं, और यदि झड़ जाए गिर जाए बाल तो उनको कचरा समझ के फेंक देते हैं। दंता केसा नखा नाखून कि ना, ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही हर चीज, ऐसे ही ये ज्ञान दर्शन। अब यहाँ ज्ञान दर्शन पे ले ले, ये ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा में ही रहे तो इनकी वैल्यू है, और आत्मा में नहीं रहे, आत्मा से बाहर परद्रव्य की तरफ जाए तो फिर ये ज्ञान दर्शन नष्ट हो जाता है, इसकी उतनी महिमा नहीं रहती है जो रहनी चाहिए। इसलिए क्या करना कि सब तरफ से रोक करके अपने ज्ञान स्वभाव में ही प्रतिष्ठित कर देना है उसको, ठीक है। समस्त परद्रव्यों की इच्छा के त्याग से सर्व संग रहित होना है। सब ये तो बताया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कि परद्रव्य को का त्याग नहीं लिखा इन्होंने, देख लो आप, भले ही देख लो आप, परद्रव्यों की इच्छा के त्याग से, एक इच्छा शब्द बीच में डाला है, परद्रव्य का त्याग नहीं, परद्रव्य की इच्छा के त्याग से, ठीक है। इच्छा इच्छा खत्म होनी चाहिए, परद्रव्य रह जाए, जो होना होगा सो होगा, क्योंकि परद्रव्य का बिगाड़ सुधार मिलना बिछुना अपने हाथ में नहीं है,
वो सब कर्माधीन है, वो तो जब जैसा होना होगा वैसा होगा, लेकिन इच्छाओं का त्याग हुआ वहीं समझो कि सब कुछ त्याग हो गया। इच्छाओं के त्याग होने से क्या होगा, सर्व संग से रहित हो जाएगा। संग माने परिग्रह होता है, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हो जाएगा। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है और 24 प्रकार का, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है, कुल मिलाकर 24 प्रकार का परिग्रह बताया है, उससे ये जीव रहित हो जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत परिग्रह तो बचेगा, सम्यक दृष्टि को भी एकाएक तो पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचेगा ना वो अनंतानुबंधी संबंधित नहीं होगा, कम होगा, कमजोर होगा, कहने का अर्थ ही है। वो कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे वैसे वैसे वो भी चला जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर तो काफी कम हो जाता है। सर्वसंग रहित होकर निरंतर अति निष्कंप वर्तता हुआ, निष्कंप यानी एकाग्र हो जाता, एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन अपने में आ गया, एकाग्र हो जाएगा। कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना अपने आत्मा को ही आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ, कर्म नो कर्म को देखेगा ही नहीं तो किसको देखेगा, आत्मा को देखेगा, क्योंकि कहीं तो देखेगा आत्मा, बिना देखे तो रहेगा नहीं। जब कर्म नो कर्म को नहीं देखेगा तो अपने आत्मा को ही देखेगा, है ना। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुनि दीक्षा होती है तो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, है? बिना परिग्रह के कैसे मन लगेगा। बिना अपन का भी मन नहीं लगता तो परिग्रह से ही मन लगाते हैं, तो वहां परिग्रह के बिना कैसे मन लगेगा, मतलब है कि नहीं सोचने वाली बात। तो वो देखा जाए ना तो आपस में ऐसा ही संबंध है, जब परिग्रह घटता है ना तो ऑटोमेटिक आत्मा की तरफ ध्यान जाता होगा, मतलब एक्सपीरियंस मैंने भी नहीं किया, ऐसा लगता है मुझे। परिग्रह का भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा रोल है जो आड़े आ रखा है, आत्मा का दर्शन होने में बाधक बना हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये परिग्रह जितना जितना कम होगा ये शायद कुछ बेनिफिशियल होगा आगे आत्मा के लिए, ऐसा हो सकता है। सर्वसंग रहित होकर निरंतर अति निष्कंप बढ़ता हुआ कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना अपने आत्मा को ही अपने आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ स्वयं सहज चेतितापन होने से स्वयं के एकत्व को चेतता है। ये शब्द देखो आप, चेतितापन होने से इसका मतलब है कि आत्मा को आत्मा में कैसे स्थापित करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ स्थापित करना है। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे यही आत्मा है कि यहाँ स्थापित कर देवे। नहीं, कोई कहे कि जाओ दक्षिण दिशा में एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ के पास में एक गड्ढा मिलेगा, गड्ढे में कुछ पैसे मिलेंगे, वो निकाल लेना जाओ, तो कहें हम कैसे पहचानेंगे वहां कोई कोई तो निशाना बताओ, कुछ तो कोई 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 सिंबल, क्या क्या कहाँ मिलेगा, क्या होगा, बिना सिंबल कैसे पहचानेंगे जगह को। तो कहे कि ऐसे ही तुम्हें आत्मा को आत्मा में स्थिर करना है तो उसका कोई कुछ तो बताओ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो कह रहे कि चेतितापन होने से मिलेगा, तुम देख लेना जहां जहां चेतनपना दिखे ना तुम्हें, कुछ फीलिंग्स ही होती रहे, कुछ ज्ञान दर्शन चेतना जगती सी रहे, समझ लेना वही है, बस उसी को पकड़ लेना और कहीं नहीं जाना, ऐसा है। चेतितापन होने से स्वयं के एकत्व को ही चेतता है, अनुभव करता है, ज्ञान चेतना रूपी रहता है वह जीव। वास्तव में एकत्व में किए गए संचेतन के द्वारा, एकत्व के अनुभव द्वारा परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न चैतन्य चमत्कार मात्र निज आत्मा का ध्यान करते हुए। कितना लंबा सेंटेंस, अभी तक फुल स्टॉप आया ही नहीं, कब से पढ़ रहे हैं, फुल स्टॉप है ही नहीं, वो लास्ट में आता है एक बार में, है ना। परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न चैतन्य चमत्कार मात्र निज आत्मा का ध्याता हुआ शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मद्रव्य को प्राप्त होता हुआ शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने पर समस्त पर द्रव्यमयता से अतिक्रांत यानी रहित दूर होता हो, उसका अतिक्रमण कर देना, उससे दूर हो जाना, पर द्रव्यमय से पर द्रव्य रूपी पर द्रव्य के प्रति तल्लीन हुआ बैठा है आज तक अनादि से। तो कह रहे कि पर द्रव्य के प्रति जो तल्लीनता है उसको छोड़कर उससे दूर हो जाता है, उसको बोलते हैं अतिक्रांत होता हुआ। ये अतिक्रांत शब्द आप लोगों को शायद कठिन हो सकता है, इसके लिए बताया मैंने कि परद्रव्यमय से अतीत हो जाए, दूर हो जाए और अल्पकाल में ही सर्व कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है, अपने आत्मा को एकदम
मोक्ष अवस्था में प्राप्त कर लेगा, शुद्ध बुद्ध अवस्था बन जाएगी। ये संवर का प्रकार है, संवर करने की विधि है। ये लास्ट में तो कह रहे हैं संवर करने का प्रकार है, यहाँ तो मोक्ष तक की प्रक्रिया बता दी, समझ में आई बात? सेंटेंस में तो मोक्ष तक की बात बता दी और कह रहे हैं ये तो संवर की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जो संवर का उपाय है उसी उपाय के निरंतर चालू रहने से है, निरंतर चालू रहने से वो जो है संवर के बाद निर्जरा भी शुरू हो जाती है, और भी चालू रहेगा तो फिर मोक्ष भी हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अग्नि जले, अग्नि जलेगी तो पहले जो है आसपास की चीजों को जलाएगी, फिर जलती जलती और थोड़ी दूर तक की चीजों को जलाएगी, फिर जलते जलते और दूर तक की आगे की चीजों को जला देगी, और धीरे धीरे सब कुछ भस्म कर देगी। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही जो तप रूपी अग्नि है, संवर संवर रूपी अग्नि समझ लो आप, तो जो संवर रूपी अग्नि है वो पहले तो आपके मतलब क्या बोलते हैं संवर करेगी, फिर उसके बाद में निर्जरा करेगी, फिर उसके बाद मोक्ष करेगी। मतलब एक ही प्रक्रिया से तीनों काम हो जाएंगे, तीनों के लिए तीन अलग अलग काम करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही अग्नि सब कुछ जला देगी, ऐसा है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो है पूरी तरह से ये कहा गया है कि द्रव कर्म कौन से, ज्ञानवरण आदि, भाव कर्म कौन से, राग आदि, और नो कर्म कौन से, शरीर आदि। तो शरीर आदि नो कर्म, ज्ञानवरण आदि द्रव कर्म, और राग द्वेष आदि भाव कर्म, इन तीनों से अपने आत्मा को एकदम पृथक शुद्ध बुद्ध जानना, उसी में एकाग्र होना, उसी को पहचानना, निरंतर उसी का चिंतन करना, इसी में सब कुछ सार है, इसी से संवर होगी, इसी से निर्जरा होगी, सब कुछ इसी से कल्याण होगा। सीधी बात ये कह रहे हैं। ये संवर से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि क्यों होगी? भाई शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होगी ऐसा कह रहे हैं बार बार, तो क्यों होगी? कि क्यों इसलिए होगी कि जब हम ये पहचान लेंगे कि ये तो मैं हूं और ये परद्रव्य है, अब दोनों का पृथक पृथक ज्ञान हो जाएगा, और जो फीलिंग आएगी अच्छी वाली वो स्वेद्रव में से आएगी, परद्रव में से तो आएगी नहीं। इसलिए जिसमें अच्छी फीलिंग आएगी जीव अपने आप ही उसके प्रति झुक जाता है, अपने आप ही उसके प्रति खिंच जाता है ना, खिंचाव हो जाता है उसके प्रति, अट्रैक्शन हो जाता है। तो किसके प्रति होगा? स्वेद्रव के प्रति, परद्रव के प्रति? स्वेद्रव के प्रति होगा। तो स्वेद्रव के प्रति होगा, इसी का मतलब हुआ कि शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। ठीक है ना। दो चीजें सामने रखी है, है? गिलास, दो गिलास रखे हैं, एक में तो जूस रखा है मीठा मीठा, एक में जो है समुद्र का खारा पानी भरा हुआ रखा है। बोलो कौन सा गिलास पसंद आएगा? कि जिसमें मीठा मीठा दूध भरा है वही पसंद आएगा, है ना। तो ऐसे ही जब भेद ज्ञान हो जाएगा तो स्वेद्रव परद्रव सामने पृथक पृथक दिखेंगे, स्वेद्रव में आनंद सामने दिखेगा, परद्रव में जो अकुलता सामने दिखेगी। तो अपने आप जीव परद्रव को छोड़ के स्वेद्रव को अपना लेगा, अपना लेगा माने शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, उसी से संवर हो जाएगा। ये प्रक्रियाएं बता रहे हैं, कितनी सीधी प्रक्रिया है। ठीक है ना, एकदम सीधी सिंपल बात है। तीन गाथाएं एक साथ होने से उनमें विश्लेषण की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि तीनों में जो विश्लेषण जैसा जैसा होना चाहिए वो गाथाओं ने अपने आप ही कर दिया। एक एक छोटे छोटे सेंटेंस कर करके ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब तरफ से चित्त हटाना है, अपने में लगाना है, स्थिर करना है, परिग्रह छोड़ना है, इच्छाओं से रहित होना है, सारी प्रक्रिया उन्होंने तीनों गाथाओं ने अपने आप ही एक्सप्लेन कर दी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की बची नहीं गुंजाइश। तो इस तरह से ये तीनों गाथाएं जो है लगभग हुई, है ना। बाकी तो और भी चर्चा हो सकती है, करने के लिए तो काफी कुछ हो सकता है बात, है ना। कुल मिलाकर भेद ज्ञान की बात है, आगे और भी आएगी, आएगी जब और कर लेंगे। इसके आगे का जो एक कलश है वो भी एक पढ़ते हैं, तो वो कलश देखो। निज महिम रतानाम भेद विज्ञान सत्या भवति नियत में साम शुद्ध तत्वोपलम्भ अचलित मखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानाम भवति सति च तस्मिन् अक्षया कर्म मोक्षा। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमारत को
शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। ये रोला छंद है, बहुत अच्छा होता है ये। इसमें क्या बता रहे हैं वो, निज महिम रता नाम, निज माने अपनी, महिम यानी महिमा, अपनी महिमा में जो रत है। अब ये भी समझाया था जस्ट मैंने, सामने दो गिलास रखे हैं, एक में मीठा मीठा दूध है, एक में खारा पानी है ना, भक्तांबर का कलश। हो छंद क्या है, पीत्वा पया सजीकरत द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रस तुम कै इच्छे, है ना, कि सामने अब मीठा मीठा दूध ही पिएगा ना, तो महिमा किसकी आएगी, दूध की आएगी, खारे जल की नहीं आएगी। ऐसे ही निज महिम रताना, अपने आत्मा की जो महिमा है उसमें रत यानी जो लगे हुए हैं। किस कारण से लगे हो, क्योंकि उसने भेद विज्ञान कर लिया। भेद विज्ञान देखो, सोना भी पीला दिखता है और पीतल भी पीला दिखता है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। और मान लो जिसको भेद ज्ञान नहीं होगा तो वो ठगा जाएगा। है ना, आंकड़े का दूध और गाय का दूध वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। आंख तो जानते होंगे आप, गुजराती में भी वही बोलते होंगे, आंख, आंख का पौधा होता है, उसको तोड़ते हैं तो उसमें दूध जैसा निकलता है, तो वो भी दूध वैसा ही सफेद होता है और गाय का दूध वैसा ही सफेद होता है, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, है ना। कांच और ये हीरा वो भी लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो कहने का अर्थ, ये चीजें एक जैसी होने से यदि भेद ज्ञान नहीं होगा, देखो भेद ज्ञान की को अपन यहां परमार्थ को छोड़ो, एक बार लौकिक दृष्टांतों पर ही लागू करके देख लो, कि जैसे सोने में और पीतल में जिसको भेद ज्ञान होगा उसकी जीत जाएगा जगत में, नहीं तो बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा उसको, है लो। ऐसे हर चीज में समझ लेना, आंख का दूध और गाय का दूध। एक बहुत अच्छा मेरे पास छंद था, वो याद नहीं आया मुझे, खोज के मिलेगा तो बताऊंगा मैं आपको, बहुत सुंदर है वो, उसमें इसी प्रकार की बात है। तो कहने का अर्थ, जब उसको ये पता चल जाएगा कि ये सोना भी पीला है पीतल भी पीला है, लेकिन इसमें से महिमा जो है वो पीतल की नहीं सोने की, जब सोने की महिमा उसको पता चलेगी तो वो रथ किस में होगा, रथ माने लीन, किस में होगा, पीतल में कि सोने में, सोने में होगा। तो ऐसे ही निज महिमा जिसको पता चलेगी वो निज महिमा में लीन हो जाएगा, रथ निज महिम रताना रथ हो जाएगा। किसके कारण, भेद विज्ञान सत्य, भेद विज्ञान की शक्ति से होगा। ये कमाल उसका भेद विज्ञान का है। कोई कहे कि देखो ये अच्छा है, तुम इसमें इसको इसको पकड़ो, तो दूसरे के कहे काम नहीं चलेगा, दूसरा हो सकता है धोखा दे देवे। तो ये किससे, भेद विज्ञान सत्य, भेद विज्ञान की शक्ति से होगा। भवती नियतम एसाम शुद्ध तत्व उपलब्ध, ऐसा होने पर नियत माने ये निश्चित हो जाएगा कि शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो रही है, शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। अचलित अखिल अन्य द्रव्य दूर स्थितान, समस्त स्पर द्रव्यों से ये दूर स्थित हो जाएगा। और तस्मिन यानी ऐसा हो जाने पर अक्षय कर्म मोक्ष, समस्त अक्षय माने समस्त, समस्त कर्मों से इसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा इसी को हिंदी में भी लिख रहे हैं, वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रथ को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। कि वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रथ हो, जिसको वेद ज्ञान हो गया, जिसको स्वेद्रव परद्रव में अंतर समझ में आ गया है, स्वद्रव की महिमा आ गई, परद्रव की से के नुकसान समझ में आ गए, फायदे नुकसान मतलब, तो फिर वो निज द्रव्य में लीन रहेगा, और लीन होने से ही उसको अपने शुद्ध तत्व की उपलब्धि होगी। दरअसल तत्व तो पहले भी है, तत्व अभी भी है, वो कहीं खोया थोड़ा ही है, लेकिन पहले वो अशुद्ध हो रखा था। तत्व की उपलब्धि तो पहले भी है अभी भी है, लेकिन पहले अशुद्ध तत्व की उपलब्धि थी और अब शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, ये फर्क है, समझ में आया। तो शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति
अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे, है तो सब कर्मों का क्षय हो जाएगा, धीरे धीरे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। कुल मिलाकर यहाँ अक्षय शब्द आया, देखो अक्षय ये आप तो संस्कृत में आया, पकड़ पाएंगे कि नहीं, तस्मिन नक्षया, ये नक्षय में संधि विच्छेद करने पर अक्षय शब्द आया, अक्षय का मतलब पूरी तरह से। यह ऐसे संवर की बात कर रहे हैं जो छायिक सम्यक दर्शन के साथ मिले, धीरे धीरे संपूर्ण कर्मों का क्षय करा दे, एक बार गुण स्थान ऊपर बढ़े तो बढ़ता ही रहे, नीचे गिरे नहीं, है ऐसे संवर की बात कर रहे हैं, यानी लक्ष्य इतना ऊंचा है, इस प्रकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि भेद ज्ञान की अद्भुत महिमा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और बाकी जो कुछ और है यही का विस्तार, ठीक है, कहा जाता है, सीधी बात है। ये समय सार की 415 गाथा, और भी बहुत गाथा है, आचार्य कुंकुम की 2000 गाथा है, और भी 45 आगम पीताम्बरों के, और कितने कितने आगम है, है सब आगमों का भी एक सार, यदि कोई पूछे एक सार बताओ इस सबका, दिगंबरों का श्वेतांबरों का सबका सार बोल दो, कि सार यही है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और बाकी जो कुछ और है यही का विस्तार। ये समय सार में यही चल रहा है, इतनी गाथाएं पढ़ ली अपन, लेकिन यही चल रहा है कि जीव जुदा है पुद्गल जुदा है, बस। द्रव कर्म तो पुद्गल है ही, और भाव कर्म भी पुद्गल के निमित्त से हुआ, इसलिए वो भी पुद्गल की कैटेगरी में गया है, और नो कर्म तो साफ ही पृथक है एकदम, है ना। तो इस तरह से ये जो है वेद ज्ञान की बात चल रही। बनारसी दास जी ने इसको कैसे कहा वो देख लीजिए, वेदी मिथ्यात सुवेदी महारस, वेद विज्ञान कला जिन पाई, जो अपनी महिमा अवधारत त्याग करे उर सौंज पराई। उद्यत रीति फुरे जिनके घट, होत निरंतर ज्योति समाई, ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे तिन कोन सुभा शुभ काई। वेदी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का भेदन करके, मिथ्यात्व का भेदन कब होगा, चौथे गुण स्थान में होगा, तो भेद मिथ्यात्व का भेदन करके, और वेदी यानी वेदन करके, किसका महारस, आत्मा का जो अतिंद्रिय आनंद का रस है उसको महारस कहा है, उस अतिंद्रिय आनंद के रस का वेदन करके, जैसे मिथ्यात्व नष्ट होगा तभी होगा वो, ऐसा भेद विज्ञान कला जिन पाई, जिन्होंने भेद ज्ञान की कला पाई है वही ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। जो अपनी महिमा अवधारत, जिसको अपनी महिमा पता लगी, वो त्याग कर देगा परद्रव की साझेदारी, छोड़ देगा, परद्रव के साथ साझेदारी चल रही है, हैं, साझेदारी तो समझ रहे हैं, मतलब मेल जो बोले उसके साथ संपर्क, मिलना जुलना, पूरे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम परद्रव्यों में ही उलझे पड़े हैं, हैं। अभी देखो ना आप, सुबह से शाम तक हम कितनी मशीनों से घिरे हैं, अभी ये लैपटॉप पे क्लास चल रही है, लैपटॉप भी मशीन नहीं है, हर चीज मशीन नहीं है, मोबाइल भी मशीन नहीं है, तो ये तो मशीन है ना, ऐसे ही ये सब परद्रव्य भी हैं, ये तो आज मशीन है, मशीन का एग्जाम्पल है, लेकिन परद्रव्य सारे परद्रव्यों पर ही डिपेंड हो रखे हैं हम पूरी तरह से। तो त्याग करे उर सौंज पर आई, परद्रव्यों के साथ जो साझेदारी है उसका भाव छोड़ दिया है। उद्यत रीति फुरी जिनके घट, और जिनके घट माने हृदय में निरंतर पुरुषार्थ स्फुरायमान हो गया, उद्यत माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जिनके हृदय में उत्पन्न हो गया, और उसकी उसके कारण, उस पुरुषार्थ के कारण जो उनकी ज्ञान ज्योति है वो निरंतर सवाई यानी सवा सवा गुणी, कहने का मतलब संख्यात गुणी बढ़ रही है, कहने का मतलब क्या, ज्ञान ज्योति सवाय क्रम से बढ़ रही है, वैसे तो यहाँ सवाय लिखा है लेकिन कर्णवान योग की भाषा में तो कुछ और है, थोड़ा डिफरेंस है, वह ज्यादा है, सवा से भी ज्यादा है, सवा से ज्यादा असंख्यात गुणी है, असंख्यात गुणी निर्जरा कुछ ऐसा बताते हैं, तत्वार्थ सूत्र में भी आया है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है आत्मा, ऐसा इस सवाई तो बहुत कम लिखी इन्होंने, इससे ज्यादा बढ़ती है, ऐसा आठवें गुण स्थान में देखो ना, आठवें नौवें गुण स्थानों में, और चौथे गुण स्थान के भी जो नहीं, चौथे नहीं आठवें नौवें में
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और क्या है, अपूर्वकरण, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण होते हैं। इन तीन करणों में प्रत्येक समय के अंदर असंख्यात असंख्यात गुणी तेजी से जो है विशुद्धि बढ़ती है, असंख्यात असंख्यात गुणी, हर पल, हर एक समय के बाद। एक समय में जितनी विशुद्धि थी अगले समय में उससे असंख्यात गुणी विशुद्धि हो जाएगी, उसके भी अगले नेक्स्ट समय में उससे भी असंख्यात गुणी, और मल्टीपल कर देना है, उस फिर अगले समय में और असंख्यात गुणी हो जाएगी। मतलब असंख्यात असंख्यात को मल्टीपल करने का मतलब जान रहे हैं, जैसे आपने 10-10 से भी गुणा करने लगो ना, सिर्फ 10 से, तो एक को 10 से गुणा किया तो एक समय बाद 10 हो गया, दूसरे समय में वो 100 हो गया, तीसरे समय में 1000 हो गया, चौथे समय में 10,000 हो गया, पांचवें समय में 1,00,000 हो गया, पांच समय में 1,00,000 हो गया, समझ गया आप। ये तो हमने सिर्फ 10 से गुणा किया है, और वहां असंख्यात से करना है तो कितनी तेजी से बढ़ेगा, सोचिए आप। ये तो सवाई लिख करके इन्होंने कम ही लिखा, कहने का मतलब ये। तो कह रहे हैं जिसकी ज्ञान ज्योति सवाए कर्म से बढ़ रही है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष सुवर्ण के समान स्वभाव वाले हैं, उन्हें शुभाशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। सोना होता है वो कहीं भी पड़ा रहे, कीचड़ में भी पड़ा रहे, उसको काई नहीं लगती, काई नहीं लगती, जंग नहीं लगती, लोहे को जंग लग जाती है ना, तो ऐसी जंग नहीं लगती लोहे को, वो सॉरी सोने को। सोना जो है निर्मल रहता है, सोने का स्वभाव ऐसा अलिप्त, अलिप्त स्वभाव। आगे इसी समय सार में आएगा, शायद निर्जराधिकार में आएगा कहीं, हाँ निर्जरा में ही आएगा, कि सोना अलिप्त स्वभाव वाला है और लोहा लिप्त स्वभाव वाला है। लोहे को जंग लग जाती है लेकिन सोने को नहीं लगती है, है? ज्ञानी जो है सोने के समान है, क्योंकि ऊपर द्रव्यों से उलझता नहीं है, और अज्ञानी जो है लोहे के जैसे स्वभाव वाला है, ऊपर द्रव्यों के साथ उलझ जाता है, ऐसा आएगा आगे, है ना। तो कहने का अर्थ ज्ञानी पुरुष सुवर्ण के समान है, सोने के समान है, लगे तिन कोन शुभाशुभ काई, उनको शुभ अशुभ किसी प्रकार का विकार नहीं लगता है। ये बात जो यहाँ पर बताई है, कुल मिलाकर ऐसा जो संबर है ये जो है चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है, और उससे फिर आश्रव रुक जाता है, संबर के साथ साथ धीरे धीरे निर्जरा मोक्ष भी होते हैं, यानी एक काम करते ही बड़े बेनिफिट हैं। हम एक चीज खरीदने जाते हैं, एक फ्री मिलती है, आज का जमाना ऐसा है, बाय वन गेट वन, यहाँ आचार्य कुन कुन करे बाय वन गेट थ्री, मतलब तीन तीन ले लो आप। तो इस प्रकार की बात है ये, है ना। तो इस तरह से ये गाथाएं तो हो गई लगभग। इन गाथाओं के बाद में जो दूसरे आचार्य जैसे ने, उनकी टीका में कहीं कहीं एक्स्ट्रा जो है गाथाएं आती है, जो अपन कई बार नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आवश्यक नहीं समझते, उन जैसा भाव दूसरी जगह आ जाता है, एडजस्ट हो जाती है, इसलिए उनको अपन गौण कर देते हैं। लेकिन यहां पर दो गाथाएं आई है, और ये दो गाथाएं बड़ी जबरदस्त हैं, ये बहुत ही गजब की गाथाएं आई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है एकदम, और इनके अंदर बहुत भाव भरा पड़ा है, मतलब इतने गजब की गाथाएं हैं कि इनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, और इसमें तो एक एक लाइन भी, मतलब एक एक शब्द भी नहीं छोड़ सकते, लाइन तो बहुत दूर की बात है, इतनी महत्वपूर्ण गाथाएं बीच में आ गई दो, जिनकी काउंटिंग में नहीं है वो। काउंटिंग के बाहर है वो, है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, लेकिन बहुत अच्छी गाथाएं हैं, तो उनकी चर्चा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे, आज की चर्चा यहीं विराम। ठीक है जी, जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र।